सर्च कैसे करेंगे आप लिखेंगे नायल कंसल्टेंट ये जी निकला है नायल कंसल्टेंट हमारे फेसबुक पेज भी है गूगल पेज भी है और हमारा वेब हमारी वेबसाइट भी है तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के पे ऊपर अब फेसबुक पेज पर पे जब आ जाते हैं हम लोग आपको कोई यहाँ पर किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट आपने निकालनी कैसी ये आप सामने पेज को ओपन होता है जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना सेंड मैसेज पे आना है आप सेंड मैसेज के ऊपर यहां पे एक कंट्रीज की लिस्ट निकलेगी आपके सामने जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज की लिस्ट है जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे आपने टाइप नहीं करना है आपने क्लिक करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे जो चाहिए कैनेडा की मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कैनेडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने और उस पर दिए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी आप देख सकते हैं कैनेडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है ठीक है जी तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की आप यहाँ पे यूएस लिखेंगे तो यू की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद मालूम लिए आप कॉल कॉन्टेक्ट भी हमें कर सकते हैं बिसमिल्ल रही दोस्तों असल मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ख़ैरीत से होंगे आज आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्सरशिप के बारे में कौन स्पॉन्सर कर सकता है और पहला किसका राइट है अप्लाई करने का इसमें मैं डिटेल से बात करूंगा टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और हमारा जो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है नायल वीज़ा इन्फॉर्मेशन उसको भी लाइक और शेयर करें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था विजिटर और टूरिस्ट विजट डिफरेंस क्या था तो वहाँ पर मैंने कमेंट्स दिखे लोगों ने कहा समीर भाई आप स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाएं देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्सरशिप है क्या मैं सिर्फ कनेडा की बात नहीं कर रहा मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ किसी भी मुल्क का इस्पॉन्सरशिप आप मंगवा सकते हैं बल्कि मुझे ये भी सुनने में आया है और सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि कुछ सिटी हमसे चार घंटे दूर है यहाँ से वहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप तीन तीन लाख रुपए का बिक रहा है लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी मैं आपको स्पॉसर मंगवा दूँगा स्पेन से कहना तीन लाख का तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है सद पर तो आपको समझना चाहिए कि इस्पॉन्सरशिप है क्या स्पॉन्सरशिप वो चीज़ है एक पेपर होता है ए फोर साइज का जिस पे जो जिस कंट्री में बंदा मौजूद है वो मुझे लिखता है या अपनी गवर्नमेंट लिखता है कि जी मैं इस मुल्क में मौजूद हूँ मैं यहाँ पे सैलरी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ मैं इस फ्लाँ को समीर को जानता हूँ मेरा पुराना दोस्त है ये उसके प्रूफ्स हैं मैं अपने पास इसको वीज़े पे बुला रहा हूँ लिहाजा मेरे कहने पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनको वीज़ा इशू किया जाए इनका ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगा या ये अपना ख़ुर्दा ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त करेगा और ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की अशोर करता हूँ आप लोगों को कि इस वीज़ा कम्प्लीट करने के मतलब अपना दस दिन या टूर कम्प्लीट करने के बाद ये अपने मुल्क वापस आ जाएगा ठीक है जी यह है लीगल फॉर्मेट इसका इसके मैं और क्लियर अल्फाज में समझा दूँ यूके युक में है और अली पाकिस्तान में है अली जो है वो पाकिस्तान में है अली कहते हैं समीर मुझे स्पॉन्सर करो बट अली मुझे जानता है या तो हम पहले क्लास फेलो रहे हैं या हमने को गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं या हमने कहीं ट्रैवल किया है एक ऐसा प्रूफ मेरे पास मौजूद है जिस जिसपे मैंने अपने समीर को बोला कि वो मुझे स्पॉन्सर लेटर लिखे समीर ने लेटर लिखा समीर ने दो ऑप्शन लेटर लिखने का या तो मैं वाइट पेपर पर पे लिख कर अपना पासबुक कापी अटैच करूं और सैलरी स्लिप अटैच करूं या मैं किसी कंसल्टेंट से लिखवा लूं या किसी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लूं कि बस फॉर्मेट बना होता है वो लिखते हैं कि ये कौन है क्या करते हैं और क्यों आ रहा है ठीक है जी समीर ने भिजवाया अली को और यहाँ पर अली ने अपनी डॉक्यूमेंट लगा कर अप्लाई कर दिया अगर तुम अली के पास और समीर के पास प्रूफ है कि वो दूसरे को जानते हैं फिर स्पॉन्सर करें अगर दूसरे पास प्रूफ नहीं है तो उस पौसे का को कोई फ़ायदा नहीं है ये क्लियर कर लूँ बात आपको उस पौसे का को कोई फ़ायदा नहीं है अगर उस प्रूफ नहीं है दूसरी बात लट्स सपोज मेरी मेरा मेरे मैं समीर जो है वो यूके में है अली पाकिस्तान में है मगर समीर की फैमिली यूके में नहीं है समीर की फैमिली में कौन कौन आता है मेरे बीवी है मेरे बच्चे हैं मेरे अम्मी है मेरे बब्बू है मेरे भाई हैं यही फैमिली यूके में नहीं है तो स्पॉन्सरशिप का पहला राइट जो बनता है वो मेरी पेरेंट्स का बनता है और स्पॉन्सरशिप का पहला राइट जो बनता है मेरी वाइफ का बनता है मेरे बहन भाइयों का तीसरा हाथ बनता है ठीक है जी मैं अपने फ्रेंड्स को देखें आप जब स्पॉसरशिप कर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एम आपको स्माइल देकर डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेती है एम कभी नहीं कहती कि नहीं आपका राइट नहीं बनता ये राइट और नॉट राइट कल्सल्ट जो हम हम जैसे लोग जो एक्सपीरियंस हुए हैं उनको बताना चाहिए आपको कि सर आपका ये नहीं बनता आप इस तरह करें आपने टाइम और पैसा मत ज़ायक करें आप पर रिस्पॉन्सर करें अपने वाइफ को लिखें कि अपने वाइफ को बढ़ाना चाह रहा हूं फिर आप अप लिखिए अपने पेरेंट्स को या पहले आप लिखिए पेरेंट्स को फिर वाइफ को फिर बहन भाइयों को आप इनमें से किसी को इसको इनमें से किसी को आपने बुलाया नहीं आप डायरेक्ट ऐसे बंदे को बुला रहे हैं जो चौथा हाथ है आपका फ्रेंड तो मेरे ख्याल से वीजा आपको शायद मुश्किल लगे मैंने कहता ना लगे बट मे भी मुश्किल से लगे आप यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर हमारे लगा मैं एग्री करता हूँ लगा होगा बट कुछ कंडीशन होंगी जरूरी नहीं कि आपका लग गया सबका लगे मैं मेरी कंपनी ये नहीं करती हम कहते हैं कि अपने स्पॉन्सर देने हैं तो आप पहले अपने पेरेंट्स को अप्लाई करवाएं उसके बाद अपने वाइफ को या उल्टा कर लें फिर एंड में बहन भाइयों को वो भी डिपेंड करता है अच्छा अब दूसरी बात अब एक स्पॉन्सर है कुछ लोग कहते हैं सर मैं स्पॉन्सर बहुत तकड़ा है बहुत तकड़ा स्पॉन्सर है सर देखिए तकड़ा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्सर सिर्फ और सिर्फ फाइव पॉइंट्स एंड मैक्म टेन पॉइंट देगा आपको नाइन्टी फाइव पॉइंट एंड नाइन्टी पॉइंट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट में शो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जॉब कर रहा है किसी मुल्क में सैलरी सेलिसप भी ले रहा है आपको वो ये कह रहा है मेरा घर भी है मेरे पास रहेगा अब वैसे कहती है ठीक है ये ठीक है ये बता दिया इसके पास प्रूफ दिया आपके पास कौन है जो आप जा रहे हैं आप कौन है क्या बिजनेस करते हैं प्रूफ करें आप जॉब करते हैं प्रूफ करें आपकी फंडिंग कौन कर रहा है प्रूफ करें मेरी रिकमेंडेशन क्या है मेरी एडवाइस रिकमेंडेशन ये है जब किसी से स्पॉन्सर मंगवाएँ तो आप ये मत शो करवाएं कि वो मेरा ख़र्चा बर्दाश्त कर रहा है इसका मतलब अ केस वीक है आप खर्चा अगर कोई और बर्दाश्त कर रहा है तो आप वीक वीक साइडर पे हाँ फॉर एग्जांपल मेरा मैं यूके में हूँ मैंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो ठीक है मेरे पेरेंट्स एजेड हैं उनका खर्चा मैं बर्दाश्त करता हूँ मैं यूके में हूँ मैं आ, या एशिया या मतलब स्पेन किसी भी मुल्क में हूँ मैं अपनी बीवी बच्चों का खर्चा मैं बर्दाश्त करता हूँ बट मैं किसी मुल्क में हूँ और मैं अपने दोस्त का खर्चा मैं बर्दाश्त करूँ आप लिखने में हर्ज नहीं है आप सेली स्लिप दे देंगे आप बैंक बैक्सिमर दे देंगे बट जो अप्लाई कर रहा है उसका उसकी फाइल पे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और एम्बेसी के माइंड में ये बात आएगी ये जा रहा है ये वापस नहीं आएगा ये इतना कमज़ोर है कि इसका दोस्त खर्चा बर्दाश्त कर रहा है तीसरी बात स्पॉन्सर का खर्चा नहीं है मैं अगर नाइन कहूँगा सेवेंटी फाइव या एटी परसेंट कंट्रीज के अंदर स्पॉसर है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बट उसका तरीका डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल चेक रिपब्लिक है आपने उनके जाना है फॉरन ऑफिस में आपने वहाँ फॉर्म फिल करना है उसको टेस्ट करवाना है तब जाके आपको यह ऑफिशियल स्पॉन्सर निकलता है आप स्पेन की बात करते हैं शेंजिन भी उसमें ऐसा है कैनेडा की बात करते हैं वहाँ भी नोट पब्लिक टेस्ट करवाना पड़ता है यूकि हर मुमालक डिफरेंट है बट ईजी है ये मुश्किल नहीं है बट अगर आपको ये लगता है कि स्पॉन्सर दे दे और उसके विजल हंड्रेड परसेंट लगेगा ये झूठ है हमारे पास कनाडा से उनके पार्लियामेंट मेंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्पॉन्सर आते हैं मेरे पास मेरे पास यूएसए के चीफ पुलिस ऑफिसर के स्पॉसर आते हैं मेरे पास स्पेन uh, uh, के जो उनके अपोजिश uh, पार्टी uh, के स्पॉन्सर आते हैं मेरे पास बट इसका मतलब हर नहीं है कि इस स्पॉन्स इतना स्पॉन्स इस्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर दिखाकर वीज़ा मिले स्पॉन्सर सेपरेट चीज़ है एम्बेसी सेपरेट चीज़ है अब एम्बेसी की मर्ज़ी है कि आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करे या ना करे लिहाजा ये माइंड में जो आपकी कन्फ्यूजन है परचेज़ करना स्पॉन्सर फेक स्पॉन्सर है आप फेक स्पॉन्सर परचेज मत करें और बेसिकली आप वो स्पॉन्सर अटैच करें जिसका जिसके अगेंस्ट आप प्रूफ डाल सकते हैं फिर आप विजट वीज़ा अप्लाई करें अगर आप स्पॉन्सर ना भी मंगवाएं तो कोई मसला मसाइल नहीं है आप टूर प्लान पे अप्लाई करें एक टूरिज्म प्लान मंगवाएं इस एक कंट्री से कवर लेटर अच्छा बनाएं आप अप्लाई करें विजेट टूर मोस्टली पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर मोस्टली विजिट लगते हैं वो टूरिस्ट प्लान पर ही लगते हैं हर बंदे का स्पॉन्सर नहीं आता हर बंदे का स्पॉन्सर नहीं आता लिहाजा आप ये मत समझिए कि वह बंदा बाहर बैठा है वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा पहले क्यों नहीं कर रहा वो करना उसके एक पेपर देना है आपको उस एक पेपर उसको लिखने में हर चीज सिर्फ समझाने में इशू है कि सर आपके लिखने से शायद मुझे बेनिफिट मिल जाए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्पॉन्सर अगर मंगवा लें और फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रूफ भी है तो मंगवाने में हर्ज नहीं है कि उसको नुकसान नहीं है ना भी मंगवाएँ तो कोई मसला मसाइल नहीं है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी प्रोफाइल के ऊपर बट ये मैं बात करूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपकी फैमिली वहाँ पर है बहन भाई है तो आप वहाँ पर है तो उनको कहीं मंगवाना चाहिए आपका एक प्रूफ है आपके पास कि यस मेरे भाई वहाँ पे है भाई मैं उसको मिलने जा रहा हूँ तो आपके स्ट्रांग टाइज बन जाएंगे बट जब है ही कोई नहीं तो स्पॉसर ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ दी वे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़